दोस्तों स्वागत है आप सभी यहाँ पर एक और वीडियो में और अभी जो मैच कवर करने जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कोरियन लीग का जो है फुटबॉल मैच को कवर करने जा रहा है जो यहाँ पर डी ए डी ए, ए बसेज यहाँ पर आई एन सी के बीच में मैच वाली है सो इस वीडियो को आप शुरू से तक जरूर से जरूर देखना है क्योंकि तो काफी सारे इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं एंड देखो स्पेशली इस मैच में ऐसे काफी सारे प्लेयर्स आपको दिखने वाले जो कही जाए तो काफी कम सिलेक्शन है एंड कही जा तो आपके लिए गेम चेंजर पिक साबित हो सकते हैं तो ध्यान से देखना है और शुरू से तक जरूर से जरूर देखना है तो सबसे पहले दोस्तों आते हैं यहाँ पर मैच डिटेल सेक्शन में एंड उसके बाद आपको यहाँ पर टीम बना दिखाएंगे तो देखो सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर दोनों टीम्स की जो है प्रोबल प्लेइंग इलेवन की तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर दोनों टीम्स की जो है यहाँ पर प्लेइंग इलेवन लगभग कही जाए तो सत्तर से अस्सी परसेंट ये कन्फर्म रहने वाला है बाकी एक से दो तीन प्लेयर्स यहाँ पर चेंजेस होते हैं आपको दिख जाएंगे तो आप इसका यूज कर सकते हो देखो काफी सारे लोग यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट करते हैं प्लेइंग इलेवन के लिए अगर हमें पहले से मिल जाए लाइनअप तो अपनी टीम खुद से भी ग्रेड करने की कोशिश कर सकते हो so, सो मैंने ही दिया है आपको कि सत्तर से अस्सी परसेंट यहाँ पर आपको ये कंफर्म होते हुए देखेगा बाकी थोड़े बहुत प्लेयर यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे ये होगी पहली टीम के यहाँ पर प्लेइंग इलेवन अब दूसरी टीम की बात कर लेते हैं तो दूसरी टीम की बात किया दोस्तों तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहने वाली यहाँ पर जो है आ, इंजियो यूनाइटेड की जो है यहाँ पर आ, पोल प्लेइंग इलेवन देख सकते तो यहाँ पर काफी के जो तो देखो इसमें प्लेयर्स काफी भरमार पड़े हुए मैं आगे बताता हूँ कौन से कौन से प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले आज के मैच के लिए चलिए बढ़ते यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात कर देंगे हम यहाँ पर रिसेंट uh, फॉर्म की तो देखो रिसेंट फॉर्म की बात किया दोस्तों तो लास्ट फाइव मैचेज इनके हमने उठाए हैं एंड उसके बेसिस पे आपको हम यहाँ पर बताने वाले कि कैसा उनका लास्ट मैच में जो लास्ट फाइव मैचेज में जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है सॉरी छः मैचेज हमने यहाँ पर उठाए दोनों टीम्स के चलिए बात कर लेते हैं और देखो सबसे पहले बात किया दोस्तों तो यहाँ पर आ, लास्ट फाइव गेम्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है डेंगू की बात किया दोस्तों तो यहाँ पर जो है अपना देखो लास्ट के जो है वो चारों मैचेस विन करके आ रहे हैं। और इनका जो फिफ्थ मैच रहा था उसमें वो हारे हैं तो इनका परफॉर्मेंस लास्ट का बहुत ही तगड़ा रहा है। देख सकते हो तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी इनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो अगर यूनाइटेड की बात किया दोस्तों तो यहाँ पर पाँच में से दो मैचेज विन किए एक मैच उनका ड्रॉ हुआ है और दो मैचेज वो हारे हैं तो मतलब परफॉर्मेंस में किया जाए तो एक एवरेज आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलता है रिसेंट गेम्स में इनका लेकिन पर जो सबसे चीज़ देखने वाली चीज है यहाँ पर 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 जो है, जो है है देख सकते हो तो डेंगू की जो टीम है यहाँ पर काफी जो है यहाँ पर जो है अच्छी खासी यहाँ पर फॉर्म में रिसेंट में नजर आ रही है क्योंकि लगातार चार मैचेज विन करने बहुत ही अच्छी खास यहाँ परफॉर्मेंस मानी जाती है और फिफ्थ मैच सिर्फ अपना लॉस किए वही अगर बात किया दोस्तों यहां पर हेड टू तो हेड की सिक्स आ, मीटिंग्स की बात की जाए यानी कि जो है छह मैचेस की बात की जाए दोनों के बीच में जो मैचेज हुई है साथ में तो यहां पर देख सकते हो यहाँ पर जो है दोनों ही टीम्स में जो है दो दो मैचेस विन किए और दो मैच इनका ड्रॉ रहा है तो मतलब जो ये हेड टू हेड में मेन चीज आपको देखने को मिलता है की परफॉर्मेंस दोनों की ही जो है तगड़ी रहने वाली यहां पर टाइट रहने वाली है तो ये आप चीज़ देख सकते हो यहां पर आपको जो है फिफ्टी फिफ्टी चांसेस देखने को मिल सकता है क्योंकि यहां पर लास्ट के जो सिक्स गेम्स हुए हैं उसमें यहाँ पर जो दोनों का इक्वल uh, रहा है दो दो गेम्स विन किए छः मैचेज में से और दो मैच इनका जो है यहाँ पर ड्रो रहा है तो ये आप समझ सकते हो तो ये देखो हेड टू हेड इसलिए मैंने ऐड किया बिकॉज ऑफ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये जान के आप जो है अपनी टीम की जो है अपनी टीम के हिसाब से जो है आप क्रिएट कर सकते हो कि हाँ ये टीम थोड़ी सी जो है स्ट्रॉन्ग है और इसके बेसिस पर मेरे को जाना है तो इसका आप जो है इस्तेमाल कर लेना अब बात कर

एस वांग रहेंगे तो फिर से जो वाईली रहेगा फिर से जो है डी जूंग रहेगा फिर से जी कीम रहेगा ये प्लेयर्स को आपको क्या करना है ये आपके लिए लेके तो बहुत ही डिफेंशियल पिक रहेंगे और ग्रैली के लिए बहुत ही तगड़े पिक्स रहेंगे जिनको आपको जरूर शुरू रखना है अपनी टीम में एज अ कैप्टन वाइज कैप्टन नहीं ट्राई करना सिर्फ क्या करना है आपको अपनी ग्रैली के टीम्स में इन सब प्लेयर्स को जो है रख लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है आपके लिए जाए तो आज के मैच के लिए जो अच्छा खासा परफॉर्म करके आपको दे सकते हैं तो ये बात आप ध्यान में रखना और उसके बेसिस पे आप जो आपको यूज़ कर लेना ही कर लेना है चलिए तो योग दोस्तों यहाँ पर जो है मैच डिटेल्स की बात है आई सब के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हमने जो बता दें जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा बाकी और भी मैं प्लेयर्स बताने वाला हूँ टीम बनाते समय आपको बताऊँगा सो so उसका भी आप जो है थोड़ा सा रेडी रहो अभी फिलहाल आते हैं पर टेलीग्राम रिव्यू में और टेलीग्राम की बात किया दोस्तों तो हमारा जो लास्ट गेम का रिजल्ट रहा था बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर रहा देख सकते हो तो यहाँ पर अल्ट्रा के अल्ट्रा क्या मेगा क्लीन स्वीप रहा था क्योंकि काफ़ी सारे लो प्लेयर सिलेक्शन जैसे कि मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि देखो ये सब सिल्स में सभी लोगों का जो है नॉलेज रहता है नहीं और काफी सारे ऐसे अच्छे प्लेयर्स रहते हैं जिनका सिलेक्शन मात्र दस या पंद्रह हार्डली बीस या पच्चीस परसेंट ही रह जाता है तो यह बात ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है ये सब लीग्स में आपको वीडियो देखना तो जरूर शुरू देखिए और ध्यान से देखिए तो देख सकते हो तो ये, ये मेगा क्लीन स्वीप रहा था यहाँ पर मात्र इसका जो सिलेक्शन रहता है यहाँ पर ट्वेंटी वन परसेंट रहा था और इसने एक सौ एक पॉइंट दिए थे तो समझ सकते हो कितना एकदम तगड़ा यहाँ पर जो है हमारी परफॉर्मेंस रही थी इस वाले मैच में देख सकते हो तो अच्छी खासी यहाँ पर जो है सबने जो है विनिंग की थी और ये देख लो वीडियो देखने का फायदा क्योंकि देख सकते होते भाई ने जो यहाँ पर वीडियो देख के टीम बनाई थी और ग्रैंड लीग में देख सकते हो यहाँ पर अट्ठासी रैंक रहा यहाँ पर दो वाले जो है ग्रैंड लीग में जिसमें देख सकते हो तो यहाँ पर तो सभी टीम्स अच्छी परफॉर्म करती है आप ग्रैंड लीग देखो ग्रैंड लीग विन करना चाहते हो वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही मस्ट है बिकॉज ऑफ काफी सारे ऐसे प्लेयर्स है जिनको आपको जो है सिर्फ वीडियो में देखने को मिलेगा टेलीग्राम पर आपको चीजें नहीं देखने को मिल सकती है बाकी एक और देख लो यहाँ पर भाई ने यहाँ पर जो फुल्ली जो यहाँ पर जो सीधा मिस कर गए थे मात्र देख सकते हो तो यहाँ पर उन्नीस यहाँ पर रैंक रहा था पांच हजार एक सौ अट्ठाइस वाले जो है ग्रैंड लीग में तो अच्छी खासी सभी विनिंग्स विनिंग करें दोस्तों अगर आपको विनिंग करनी है और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको यहीं पर मिले वाला है कंफर्म लाइन है फाइनल टीम सब कुछ तो जल्दी से ज्वाइन कर लो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में में अब सीधा आते हैं तो पर पर जो जो है ड्रीम एंड आपको टीम टीम दिखाते सो देखो टीम मैंने पहले से क्रिएट कर रखी है बस आपको जो है यहां पर इंपॉर्टेंट बातें बता देनी है तो सबसे पहले आते यहां पर जीके सेक्शन में देखो जीके सेक्शन में इसको पिक कर लेना है अपनी ग्राली की टीम में क्या करना है एज अ वाइस लेके चले जाना है एक टीम में ठीक है थोड़ा अच्छा चॉइस आपके लिए बन सकता है चाहो तो कैप्टन

पर रहता है हम ट्राई करने की कोशिश जरूर से जरूर करेंगे आपको आपको भी जो है ट्राई करना है आराम से जो है यहां पर आपको पिक कर लिया ठीक है आराम से जो है पिक कर लेना ठीक है इसके हिसाब से आपके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहनेगा आपके लिए तो यूज़ जरूर से जरूर कर लेना है देखो तो टी ई की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो तो मात्र जो है इक्कीस लोगों ने ले रखा है लेकिन आज के मैच के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा डट्साई मैंने इसको पिक किया है आप क्या कर सकते हो इस वोट आगे उसको भी आप जो है पिक कर सकते हो ठीक है फिलहाल के लिए टी ई के मैं साथ जा रहा हूँ बाकी लाइनअप आएगा उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा इसको लेना है या नहीं लेना है आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो ये तीनों प्लेयर्स को आप पिक कर लीजिए नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर जो है ये देखने को मिल जाएगा इसको पिक कर लेना बाकी नीचे

फिलहाल के लिए मेरे को जो है एक इंपॉर्टेंट प्लेयर छोड़ना पड़ा है देख सकते हो तो यहाँ पर जो है पिंटों को जो मैंने छोड़ा है देखो लाइनअप में रहता है ट्राई ज़रूर से ज़रूर करूँगा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है एंड अपने टीम के लिए मोस्टली यहाँ परफॉर्मेंस यही करता है तो ये जो है आ... इसको अपनी टीम में रखना बहुत ही है बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो है काफ़ी जो है एक इंपॉर्टेंट चॉइस रहने वाला है तो आप अगर इसके साथ जाना चाहो तो जा सकते हो अभी से इसको पिक कर सकते हो फिलहाल के लिए जो है पिक कर लेना बाकी दोस्तों फिलहाल के लिए मैं इसको जो है अभी इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ थोड़ा सा कन्फर्मेशन मेरे को नहीं मिला कि खेलेगा नहीं खेलेगा अगर खेलता है तो अपनी टीम में जरूर से जरूर रख लूंगा फिलहाल के लिए ये दोनों प्लेयर्स को आप पिक कर लो मात्र यहां पर सिलेक्शन देख लो यार ऐसे प्लेयर्स है जिनको आपको एज अ कैप्टन लेके जाना है ग्रांड लीग की टीम से मात्र सिलेक्शन देख लो तीस तीस बाईस तो ये बहुत ही और तगड़े चॉइस है आपके लिए यहां पर ग्रैंडलीग के लिए कही जाए तो गोल्डन प्लेयर्स है जो आपको ग्रैंड लीग मिन करा सकते हैं तो ध्यान में देख लो आराम से पिक कर लो देखो प्लेयर्स आपको ग्रैंड लीग में ऐसे ही रखना है जो लास्ट के मैचेस से परफॉर्म ना करते हो और सबका नजर ना आ रहे क्योंकि लोग हमेशा उसको ही फॉलो करते हैं जो लगातार यहां पर आपको परफॉर्म करते हुए दिखेगा और अच्छे पॉइंट्स देके बैठा हुआ जस्ट लाइक like ये देख सकते हो यहाँ पर सभी लोगों ने इसको एज अ कैप्टन भी बना रखा होगा तो ये चॉइसेस रहती हैं यहाँ पर लोगों के तो यहाँ पर आपको जो है अपने हिसाब से तो ट्राई कर लेना है आप आते सीधा यहाँ पर टीम प्रीव्यू में देखो टीम प्रीव्यू की बात किया तो एज अ कैप्टन वाइज कैप्टन मैंने मैं जो यहाँ पर आ, ये दोनों को जो है यहाँ पर प्रेफर किया देखो यहाँ पर बात बता दूँ यहाँ पर आ, डेगुआ की जो टीम रही थी वो थोड़ी सी अच्छी खासी यहाँ पर जो है रिसेंट मैचेज में परफॉर्मेंस उनका रहा था लेकिन हेड टू तो हेड में बात की जाए तो ये टीम थोड़ी सी थोड़ी सी मेरे को मजबूत नजर आती है सो डेट्स वो मैंने इनको प्रेफर किया है बाकी आप चाहो तो यहाँ पर अपोजिट अपोजिट साइड से भी जा सकते हो लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को जो यही सही टीम लगी है जिसको मैंने जो थोड़ा ज़्यादा प्रेफर किया है बाकी आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो कैप्टन वाइस की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर मैंने ट्राई कर लिया इन दोनों को एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन बाकी देख लो आपके लिए जो यहाँ पर कुछ और चॉइस मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ तो देखो यहाँ पर आपके लिए जो चॉइस

करना एज कैप्टन वाइस कैप्टन यूज कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूर जरू कर लेना थोड़ी लगती या, तो एक इंपॉर्टेंट तो तो दो। बात दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो यार किसका इंतजार कर हो अरे जाओ यार लिंक है के में, जाके कर लो, फाइनल टीम वहीं पर मिलने वाला है तो जाके ज्वाइन कर लो और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या ही मतलब मैं क्या बोलूँ यार मतलब जाओ यार सब्सक्राइब कर लो यार इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक, एक, सब्सक्राइब तो कर सकते हो तो यार सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन जरूर जरूर दबा दो और जो हमारे पुराने व्यवर्स हैं उनसे मैं यही बोलूंगा कि अगर आपने घंटी वाला आइकन नहीं दबाया है तो एक बार चेक कर ले अच्छे से उसको दबा दें क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा हमारे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे तो एक बार चेक जरूर से जरूर कर लें ठीक है चलिए इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो